ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश के आम बजट को लेकर हमीरपुर में भी लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। बजट को लेकर हमीरपुर में कुछ वर्ग के लोगों से जानी उनकी राय। बड़ी खुशी की बात है कि आज बजट पेश हुआ है और ऐसा बजट बना है कि छोटे उद्यमियों के लिए ये बजट जो है वो कारगर सिद्ध होगा तथा बजट जो है वो संसार की पांचवी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। जो हमारा बजट है वो गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए है, उद्यमियों के लिए है। महिलाओं के लिए विशेष करके कहना चाहूँगी सर कि बहुत अच्छी एलोकेशन हुई है इनके लिए स्पेशल स्कीम्स में। जो चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर स्कीम्स हैं, 35,600 करोड़ रुपए की एलोकेशन हुई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में। और जो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ हमें आंकड़े पेश किए जो एग्जैक्टली मुझे अभी मालूम नहीं है कि इसमें जो लड़कियों की स्कूल में एडमिशन्स की रेशियो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। दूसरा सर, इन्होंने और भी स्कीम्स लेडीज़ ओरिएंटेड स्कीम के लिए अलग से 28,600 करोड़ की एलोकेशन की है। लेकिन सर एक चीज़ है, मुझे मैं जैसे एक जो बिज़नेस ओरिएंटेड विमेन हैं या लेडीज़ हैं उनके लिए ये बजट में थोड़ी मुझे कमी लगी, जो मुझे लगा कि होनी चाहिए थी थोड़ी स्कीम्स एडिशनल जो बिज़नेस या प्रोफेशन लेडीज़ अपना काम करना चाहती हैं उनके लिए होनी चाहिए। सरकार ने जो बजट पेश किया बहुत ही अच्छा बजट है, उसमें कुछ एक चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, जैसे कि आम आदमी के लिए इनकम टैक्स में राहत दी गई और जो मेन चीज़ है इसमें वो है कि जो पहले लोगों का पैसा जो बैंकों में डिपॉजिट होता था वो पहले 1,00,000 रुपए तक उसका इंश्योरेंस होता था, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता था। यदि किसी का पैसा बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट में पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर अगर बैंक दिवालिया हो जाता है तो उसमें सरकार जो है वो 1,00,000 रुपए ही देती थी। अब वो 1,00,000 की सीमा जो है वो 1,00,000 से बढ़ाकर 5,00,000 तक कर दी है, जिससे कि हर व्यक्ति को इसका बेनिफिट मिलेगा जिसका भी बैंक में अकाउंट है और जिसका बैंक में डिपॉजिट है। अगर कहीं किसी बैंक में बैंक दिवालिया हो जाता है तो उससे उस व्यक्ति को 5,00,000 तक रुपए मिलेंगे, अगर उसका डिपॉजिट चाहे उसमें कितना भी हो, उसका डिपॉजिट 10,00,000 हो 20,00,000 हो जो भी हो, लेकिन 5,00,000 तक उसका अमाउंट जो है वो सिक्योर कर दिया सरकार ने, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात जो मैं बोल रहा हूँ वो ये है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है शेयर मार्केट में, 1 साल से ज़्यादा जब लोग मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर पहले छूट होती थी। जो पिछले बजट में जो सरकार ने क्या किया उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, 1,00,000 से ऊपर अगर किसी को प्रॉफिट होता था तो उस पर टैक्स लगा दिया, तो उसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी है जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं। अभी इस बजट में आशा थी कि सरकार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हटा देगी, लेकिन सरकार ने इस बजट में ऐसा कुछ नहीं किया, तो मार्केट के हिसाब से उतना अच्छा बजट नहीं है, जो कि आने वाले दिनों में नए लोगों का मार्केट में निवेश करने के लिए बहुत ज़रूरी था ताकि लोग इक्विटी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें। देखो भाई, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के एंगल से बोल पाऊँगा। जो सबसे बड़ी खुशी वाली बात मेरे लिए ऐसी है, जो टैक्स ऑडिट की डेट जो 30 सितंबर हो गई थी टैक्स ऑडिट कम्प्लीट करने की, दैट हैज़ बिन पोस्टपॉन्ड एक्सटेंडेड टिल 31st October एवरी ईयर, तो बड़ी बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने जो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रिलीज हो गया इससे। दूसरी वजह, पर्सनल इनकम टैक्स के जो लेवल्स हैं, जैसे वो जो बढ़ा दिए हैं स्लैब्स बदल दिए हैं, तो उसकी वजह से जो काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स को जो लोकली यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जिस्ट करते हैं वो 15,00,000 तक की इनकम के लिए काफ़ी सारी रिडक्शन होगी इनकम टैक्स में, जैसे 1,90,000 समथिंग ऐसे को टैक्स बनेगा, तो काफ़ी हर्टिंग है। जब ज़्यादा बिग टैक्स पेयर्स तो यहाँ नहीं है, लेकिन जो यहाँ के मिड साइज जो एवरेज जो टैक्स पेयर है उसके लिए बहुत अच्छा है। मेरी बात मतलब जो अच्छी नहीं लगी बात, जैसे कैपिटल गेंस का जो टैक्सेस कुछ ज़्यादा रिमूव होने चाहिए थे वो नहीं हुए, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, उसकी वजह से जो पर्सनल इनकम टैक्स की लाइबिलिटी इंडिविजुअल की बढ़ेगी चाहे कितना रेजिस करते हैं, वो थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। और एक ऐसी बात है जो कुछ ऐसे प्रपोजल्स हैं भी, जो क्रिमिनल वर्ड्स हटा दिए जाएंगे भी, जो पेनल्टी उसने लगेंगी, ऑल दिस थिंग्स दे हैव टू बी शिफ्टेड, बाद में जो फाइनल प्रिंट में कुछ चीज़ें आएंगी उसके बाद पता लगेगा भी हम की इन रेमिफिकेशन क्या है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करते करते हमें क्या होगा। मैं इतना करीब मैं बोल पाऊँगा, बहुत ही बेहतरीन बजट है जिसके अंदर हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, लेडीज़ का, पुअर लो इनकम ग्रुप का, और टैक्स में बहुत अच्छे रिफॉर्म्स आए हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस दिए गए हैं, कंपनीज के लिए बहुत बेनिफिट मिला है, एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत ही बढ़िया बेनिफिट मिला है, इसमें टैक्स रिडक्शन हुई हैं, कंपनीज की बढ़ोतरी होगी,
बहुत फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत यहाँ पे आएगी, तो ओवरऑल देश के लिए बहुत अच्छा है। और जीडीपी के लिए इन्होंने 10% का जो रखा है टारगेट, वो बहुत ही बढ़िया है।